सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अजय, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने भारतीय जवानों को जो बॉर्डर पे हैं, चाहे कहीं भी आंतरिक सुरक्षा कर रहे हो, चाहे कहीं भी गलवान घाटी में, उनको मैं 10 सेकंड का दोस्तों अपने तरफ से एक भेंट देना चाहता हूँ, एक गाने के थ्रू उन पे अपने जो फीलिंग से व्यक्त करना चाहता हूँ। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत में, मैं कितना नसीबों वाला था, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुण बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे थंबनेल, जो कि गाइस मैंने बना रखा है कि कास्ट सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट रहने वाला है। यदि आपके पास सेंटर का या फिर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो जो आने वाली भर्तियां हैं जैसे कि सीआरपीएफ, पैरामेडिकल स्टाफ, आईटीबीपी कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, एनिमल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, अन्य जितने भी पद निकले हैं, सीआईएसएफ की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, तो इनमें कौन सा चलता है, सेंटर का चलता है या स्टेट का चलता है, और इन सर्टिफिकेट्स की वैल्यू कितनी होती है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो थंबनेल है बिल्कुल ऑफिशियल आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रखा है, और इसके ऊपर जो थंबनेल के ऊपर जो गाइस हमने कास्ट सर्टिफिकेट लगा रखा है, यह आपका है मुंबई से। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो मैं जब 2016 की जब भर्ती थी सीआरपीएफ की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, आपको पता होगा, आप में से काफ़ियों ने अगर शायद अप्लाई कर रखा होगा उस समय और गए भी होंगे, तो मेरा एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा सरायखास जलंधर में। तो सीआरपीएफ की वहाँ पे भर्ती हो रही थी फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो गाइस उसमें जब आप पीएसटी देने जाते हो तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है। जैसे ही सीआरपीएफ का जो गेट होता है जहाँ से एंट्री होती है, तो वहाँ पे एक प्रबंधक बैठे होते हैं, हम आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं, उसके बाद में फिर आपको आगे भेजा जाता है। तो गाइस डॉक्यूमेंट चेकिंग में क्या होता है कि उन्होंने काफ़ी बच्चे थे जो एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, और हम तो जनरल वाले हैं तो हमारे तो कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट से मतलब नहीं है गाइस, ठीक है। गाइस मिल्क भी पीना ज़रूरी है, आप भी पिया करो, दिमाग बढ़ता है। तो गाइस उन्होंने क्या किया कि एक बच्चे के पास था स्टेट का सर्टिफिकेट, स्टेट का उसने सर्टिफिकेट बना रखा था कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जो स्टेट पे बनता है, तो उसको खारिज कर दिया गया और उसको बोल दिया गया कि ये स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ये चलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप चाहते हो कि आपको किसी भी प्रोसेस में आपको बाहर ना निकाले, कहीं से भी गाइस अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो आपके पूरा का पूरा कैंडिडेचर, आपका पूरा का पूरा गाइस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको रेडी रखें, अप टू डेट रखें, पूरी वैलिडिटी रखें। तो गाइस इसकी जो कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है वो होती है 3 साल। तो 3 साल से यदि आपका 3 साल से पुराना सर्टिफिकेट है तो आप प्लीज़ पैरामेडिकल स्टाफ के फॉर्म में या फिर कोई भी अन्य फॉर्म आता है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, तो उसमें यूज़ ना करें गाइस। इसका आपको डिसएडवांटेज हो सकता है, ये हो सकता है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट ना चले तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे। बहुत ही कम चांस होंगे कि आपके अगर कास्ट सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल देंगे, बहुत ही कम चांस होते हैं। लेकिन गाइस मैं बात करूँ कि जो मेरे आप बीती है, जो मैंने खुद अपनी आँखों के सामने देखा है, कि अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्रीय सरकार का कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, तो आपको कोई भी किसी भी स्टेट से नहीं निकाल सकता है। तो गाइस स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे ये कास्ट सर्टिफिकेट है बॉम्बे का, सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी लिख रखा है इस पे गाइस, कास्ट सर्टिफिकेट है। इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम जो होता है, तहसीलदार, सब तहसीलदार एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंप लग रखी है। तो गाइस उस समय स्टैंप आती थी, अभी तो बारकोड भी आना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो गाइस इस तरह के आप देख सकते हो सर्टिफिकेट गाइस ये। तो गाइस इस तरह का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और जो आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो 3 साल की होती है। तो यदि अगर आप 2020 में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपका सर्टिफिकेट 2017 अगस्त से पहले का नहीं होना चाहिए। अगस्त 2017 से पहले का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास तो नहीं चलेगा। तो मेरा अनुरोध आपसे यही है
कि अभी फॉर्म को कम से कम 20 से 25 दिन और चल रहा है पैरामेडिकल स्टाफ का, तो जाए अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ले सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं बनाते हो तो गाइस चांसेस आपके थोड़े से ये है कि आपको दिक्कत आ सकती है, पड़ सकती है, लेकिन चांसेस ये भी हैं कि आपका एक्सेप्ट भी हो सकता है। तो जिन बच्चों के पास स्टेट का सर्टिफिकेट है वो भी चल सकता है, लेकिन गाइस दिक्कत ना आ जाए इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ सेंटर का, क्योंकि केंद्र सरकार का जो सर्टिफिकेट होता है वो हर जगह मान्य होता है, हर जगह चलता है। तो इसका एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आप कहीं भी जाते हो तो आपको कोई भी रोकाटकी नहीं होगी, सीधा आपका सर्टिफिकेट देखेंगे, हाँ भाई इस बंदे का तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बना, तो आपको आगे प्रोसेस के लिए भेज देंगे। स्टेट का सर्टिफिकेट गाइस क्या होता है कि स्टेट का सर्टिफिकेट आजकल नकली भी बन रहे हैं, ठीक है। तो उस दिक्कत में क्या हो रहा है कि चक्कर में क्या होता है कि जो प्रबंधक होते हैं किसी डिपार्टमेंट के, तो वो आपका देख कर आपको खारिज कर देंगे, क्योंकि नकली बन रहे हैं तो उनके हिसाब से तो ज़्यादा धांधली हो रही है, तो आपका भी गलत हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रमाणित होना चाहिए, तो प्लीज़ बना ले। और इसकी जो अवधि होती है वो 3 साल की रहती है वैलिडिटी, 3 साल से ज़्यादा पुराना अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आपको दिक्कत आएगी, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अभी चाहे इसको अप्लाई करने के लिए, अगर आपके पास स्टेट, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, तो अपने घर के पास के सुविधा केंद्र होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर होता है, ठीक है, वहाँ पर जाएं, उनको बोले कि सर हमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आपको वो बना देंगे। आपसे जो फीस होती है सरकारी फीस जो भी रहती है 500 रुपये वो लेंगे और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बना देंगे, जिसकी मान्य हर जगह पे मान्य है, आपको किसी भी प्रोसेस में किसी भी स्टेज से आपको बाहर नहीं निकालेंगे। तो गाइस ये था कुछ अपडेट, और ज़रूरी था क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट कर रहे थे कि सर मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास स्टेट का सर्टिफिकेट है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो यार अप्लाई तो आप कर सकते हो, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका खुदा ना खास्ता, मान लीजिए कि आपके सर्टिफिकेट उन्होंने खारिज कर दिए, तो सबसे बेटर ये है केंद्रीय सरकार का जाति प्रमाण पत्र, ये अगर आपके पास है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो पे हम एम रखते हैं 100 लाइक्स का, जो हमें पूरा कर देंगे गाइस, हमें पता है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद एंड जय भारत।